उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शिक्षिका सुप्रिया वर्मा हत्याकांड का खुलासा डीआईजी एपी सिंह व एसएसपी शैलेश पांडे ने खुलासा किया है। नाबालिग प्रेमी ने की थी शिक्षिका सुप्रिया की हत्या, गहने व कैश चोरी कर हत्या को टर्न देने का किया था प्रयास। पुलिस के मुताबिक शिक्षिका से संबंध तोड़ने के लिए नाबालिग प्रेमी ने की थी हत्या। शिक्षिका संबंध बनाए रखने के लिए नाबालिग प्रेमी पर डाल रही थी दबाव। बदनामी के डर से अवैध संबंध से निकलना चाहता था नाबालिग प्रेमी। कोतवाली अयोध्या के श्रीरामपुरम कॉलोनी में 2 जून को दिन दहाड़े घर में घुसकर हुई थी हत्या। नाबालिग प्रेमी के टी शर्ट से पुलिस पहुंची खुलासे के करीब। 2 साल से संबंध में था नाबालिग प्रेमी। शिक्षक संघ ने डीआईजी एके सिंह, एसएसपी शैलेश पांडे व खुलासा करने वाली टीम का किया सम्मान। 1 जून को एक सनसनीखेज मर्डर हुआ था यहाँ पे, और उसमें एक यंग शिक्षिका थी, उसकी हत्या हुई थी। चूंकि केस में कोई इस तरह के साक्ष्य नहीं थे जिससे कि इसको नामित किया जाता, तो अज्ञात में ही मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। और इसकी विवेचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं इनकी टीम के नेतृत्व में बहुत ही गहनता से की गई, और लगभग 1 महीने तक इसमें काफ़ी प्रयत्न किया गया। अब इसका अनावरण हो गया है, और इसमें जो अभियुक्त है वो बिल्कुल नेक्स्ट डोर बॉय है, जो कि उस शिक्षिका से उसकी फ्रेंडशिप थी और काफ़ी इंटीमेट रिलेशनशिप हो गए थे। जैसा कि एसएसपी साहब ने बताया है कि वो इस बात से भयभीत रहता था कि ये बात खुलेगी तो समाज में उसकी स्थिति खराब होगी, दोस्तों में उसकी पोजीशन खराब होगी, इसलिए वो मुक्ति पाना चाहता था इस रिलेशनशिप से। लेकिन महिला के दबाव में और यह कहने पर कि उसके पास कई साक्ष्य हैं जिसका वो खुलासा कर सकती है बाद में, वो भयवश आता भी रहता था। तो इन्हीं कारणों को लेकर के उसने इस घटना को अंजाम दिया, और घटना का अनावरण करने के दौरान जो पाया गया कि उसने जो भी ज्वेलरी वगैरह वहाँ से चोरी की थी अलमारी से, उसको उसने अपने घर में छुपा कर रखा था, उसकी निशानदेही पर उसको बरामद किया गया है। और पूछताछ में उसने यह भी बताया है कि चोरी करने का उद्देश्य उसका यही था कि उसको ये घटना को एक अलग स्वरूप देना चाहता था। तो इस प्रकार से इस घटना का बहुत ही शानदार अनावरण हुआ है, और मैं कप्तान साहब की टीम को 50,000 रुपये का इनाम अपनी तरफ से दे रहा हूं, और इनको बहुत बधाई भी देता हूं, क्योंकि जब ये मुझसे कॉलन करने आए थे तो क्राइम फ्रंट पे जब मैंने पूछा कि आपका सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, तो इन्होंने इस घटना का जिक्र किया था और ये कहा था कि हमने सारे विकल्प तलाश लिए हैं और सब पे काम किया है, लेकिन अभी ईश्वर हमारा साथ नहीं दिया है और भगवान ने साथ दिया, और जो क्लू थे उन्हीं क्लू के आधार पे इस केस का सफल अनावरण हुआ है, और इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।